हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करते हैं आप भी मजे में होंगे। दोस्तों आज की रेसिपी है कुलचे की, जो मटर के साथ खाए जाते हैं। दोस्तों आपने बहुत डिमांड की तो मैं रेसिपी आपके लिए ले आई। इसे बनाना बेहद ही आसान है, इसे सर्व करेंगे हम मटर की चाट के साथ। दोस्तों ये कुलचे बड़ी आसानी से घर पर बन जाते हैं, आप ओवन में भी बना सकती है, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में बनाऊंगी और इसे सर्व करेंगे मटर की पतीले वाली चाट के साथ। तो चलिए दोस्तों इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपने मटर वाली रेसिपी भी बना ली होगी। कुलचे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए चीनी, पानी और थोड़ा सा खमीर यानी यीस्ट, ड्राई एक्टिव यीस्ट। मैं पहले 1 कप में ले रही हूँ 2 टीस्पून चीनी, और इसमें अब मैं वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी ऐड करूँगी। आप पानी थोड़ा सा वार्म लें, ज़्यादा गर्म ना लें। इसमें पहले 2 टीस्पून चीनी डिजॉल्व करें और फिर ऐड करें ड्राई एक्टिव यीस्ट। दोस्तों यीस्ट का मतलब खमीर होता है। हम कुलचे जो खाते हैं काफ़ी खमीर उठा होता है, उसमें फूले हुए होते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें खमीर ऐड किया जाता है। तो बाजार में दोस्तों ये ड्राई एक्टिव यीस्ट आराम से मिल जाता है, आप इसे इस तरह से रख दें ढककर। अब मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी। मैंने इसे क्लिंग फिल्म से रैप किया, आप चाहें तो किसी टपरवेयर के बॉक्स में रख सकती हैं ताकि एयर टाइट रहे, और 10 मिनट में अच्छे से राइज हो जाएगा, अच्छे से खमीर उठने लगेगा और झाग आ जाएगी। अगर आप जो खमीर इस्तेमाल कर रही हैं उसमें वो पानी की तरह पतला है, तो यानी वो खराब हो गया है, आप उसे फेंक दें। तो देखिए थोड़ी थोड़ी पानी में झाग आ गई है, खमीर अपना काम कर रहा है, बाकी ये आटे में काम करेगा। हल्की हल्की झाग आनी शुरू हो गई है खमीर वाले मिक्सचर में, इसका मतलब अच्छे से खमीर अपना काम कर रहा है। जब हम आटा गूंदेंगे तो आटे में अच्छे से खमीर उठेगा। 1 टेबलस्पून ऑयल चाहिए होगा आटे में डालने के लिए। 2 से 2.5 कप आप मैदा इस ले सकती हैं यानी रिफाइंड फ्लावर, और नमक भी चाहिए होगा 1 टीस्पून। और दोस्तों पानी जो हम इस्तेमाल करेंगे आटे के लिए वो भी वार्म ही लें, गुनगुना। तो देखिए मैंने खुले बर्तन में मैदा निकाल लिया, ये 2.5 कप के करीब मैदा है। दोस्तों अब मैं इसमें ऐड करी 1 टीस्पून नमक। नमक आप ज़्यादा ना ऐड करें, आप हल्का ही रखें, क्योंकि बाद में हमने इसे और भी चीज़ों के साथ खाएंगे तो बहुत तेज़ नमक हो जाएगा, तो नमक कम रखें। 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल काफ़ी रहेगा, और जो पानी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो थोड़ा सा गुनगुना है, और इसमें हमने यीस्ट ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अगर मौसम ठंडा है तो खमीर उठने में टाइम लगेगा, अगर गर्मी है तो फटाफट से आटा हमारा जो है बहुत अच्छे से फूल जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटा गूंद लें, और आटा थोड़ा सा गीला और चिपचिपा ही रहेगा। अगर आप इसे गीला और चिपचिपा रखेंगी तो अच्छे से इसमें जल्दी से जल्दी खमीर उठेगा। आजकल आजकल मौसम थोड़ा ठंडा है तो खमीर उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए मैंने आटे को दूसरे बर्तन में निकाल कर अच्छे से क्लिंग फिल्म से रख दिया है, आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकती हैं, और इसे किसी गर्म जगह पर रख देते हैं। पिछले 1.5 घंटे से मैंने आटे को रखा हुआ था फर्मेंट होने के लिए, थोड़ा सा फूलने के लिए। तो देखिए आटे में खमीर अच्छे से उठ गया है, थोड़ा सा यीस्ट उठ गया है, खमीरा हो गया आटा। अब दोस्तों एक बार इसे हम अच्छे से मलेंगे और फिर इससे कुलचे बनाएंगे। तो देखिए मैं इसे अच्छे से मल रही हूँ ताकि इसमें जो एयर हवा भर गई है वो थोड़ी सी अच्छे से निकल जाए, आटा अच्छा रहे, हमें यूज़ करने में इजी रहे। तो आटे को दोस्तों हमारा आटा तो रेडी है, अब हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए ये देख लेते हैं। हमें चाहिए थोड़ी सी कसूरी मेथी, आप हरा धनिया भी ले सकती हैं, आप पुदीने के पत्ते भी ले सकती हैं जो हम ऊपर लगाएंगे जिससे कुलचे अच्छे लगें। ये थोड़ा सा दूध है, हम कुलचे पर थोड़ा ब्रश करेंगे ताकि कुलचे सॉफ्ट रहें, और थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। और साथ में दोस्तों मैंने कढ़ाई रखी हुई है जिसमें मैं कुलचे दोस्तों हम कढ़ाई में बनाएंगे, कढ़ाई में बेहद ही आसानी से बनते हैं। दोस्तों कढ़ाई को हम अवन की तरह इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो ये कुलचे अवन में भी बना सकती हैं। मैं एक भारी तले की कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें थोड़ा नमक ऐड किया है। साथ में हमें ढक्कन चाहिए होगा जो कि कढ़ाई पर अच्छे से फिट हो जाए, तो ये बड़ी प्लेट है इससे मैं ढकूंगी। और साथ में दोस्तों हमें चाहिए एक कोई भी आप प्लेट ले सकती हैं, पुरानी पुराना तवा ले सकती हैं, जो भी कढ़ाई में साइज में आराम से आ जाए। तो ये इस तरीके से मुझे ठीक लग रहा है, मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर रही हूँ ताकि जब हम कुलचे को बेलेंगे और इस पर रखेंगे सिकने के लिए तो वो तले पर चिपके नहीं, तो मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल भी ब्रश कर दूंगी। दोस्तों जिस तरह से आप अवन में बनाती हैं उसी तरीके से इसमें बनेगा, हम बस कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। आप कढ़ाई को ढक्कन लगाकर प्री हीट करें ताकि जब हम कुलचा रखें तो ऊपर से भी सेक आए और बेस से भी सेक आए, और लेकिन आप तवे को मत रखें क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाएगा, कुलचा जल जाएगा। सिर्फ कढ़ाई, नमक और आप ढक्कन को ही गर्म करें। तो देखिए आटा हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, बहुत अच्छे से फूल गया है। तो मैं एक मोटी सी लोई यानी पीड़ा ले रही हूँ, इसे बेलूंगी। आप पतली रोटी ना बनाएं, थोड़ी सी मोटी थिक बनाएं, इसे बेलें, बहुत मोटा भी ना बनाएं क्योंकि अभी पकने के बाद और फूलेगा। तो मैं इसमें ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी लगा दी, आप इसमें मिंट भी लगा सकती हैं, कोरिएंडर भी लगा सकती हैं, जो भी अवेलेबल है ताकि दिखने में अच्छा लगे, इसलिए ऐड करें, खुशबू भी आए। तो इसे इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बेल लिया है, और इसमें मैं दूध ब्रश करूंगी। दोस्तों दूध ब्रश करने से क्या है, कुलचा जो है ऊपर से अच्छे से सॉफ्ट रहेगा, बहुत सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं रहेगा। दोस्तों इन कुलचों की खासियत है कि आप इन्हें 1 हफ्ते तक आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं, और जब मन करे आप खा सकती हैं। तो देखिए मैंने तवे पर कुलचे रखे हैं, और इस तवे को उठाकर रख दिया कढ़ाई में, और कढ़ाई की आप देख रहे हैं पहले से ही प्री हीट हो रही है, अच्छे से गर्म कढ़ाई है, तो आप ध्यान से इस्तेमाल करें।
पाए कुलचे दोस्तों टोटल 10 मिनट में बनेंगे। आप इन्हें पहले 5 मिनट तेज आंच पर रखें और बाद के 5 मिनट मीडियम आंच पर। तो मैंने अभी कढ़ाई की आंच को दोस्तों तेज कर दिया और ढक्कन लगा दिया है। तो मैं इन्हें 5 मिनट तक तेज आंच पर अच्छे से पकाऊंगी और 5 मिनट के बाद मैं गैस को मीडियम कर दूंगी। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, मैं आंच को मीडियम कर रही हूँ। बिल्कुल कम ना करें नहीं तो बहुत ड्राई हो जाएंगे कुलचे। हम चाहते हैं हीट इस पर आती रहे लेकिन बहुत कम ना आए और बहुत तेज ना आए, तो आप मीडियम कर सकती हैं। देखिए मीडियम कर दिया है और मैं इसे और 5 मिनट के लिए रखूंगी ताकि हमारे कुलचे जो है अच्छे से अंदर तक सिक जाए। देखिए कुलचे बन के रेडी हैं, पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे कुलचे बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल वैसे बन के रेडी हो गए हैं। ये दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल पक भी चुके हैं और पेस्ट से भी बहुत अच्छे से करारे हो गए हैं। आप एक कुलचा पलट कर देख सकती हैं कि कैसा बना है, आपको हाथ लगा कर ही पता लग जाएगा। देखिए गर्मा गर्म बढ़िया से कुलचे रेडी हो गए हैं। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलते तो आप आसानी से इन्हें घर पर भी बना सकती हैं। इन कुलचे को करें सर्व, आप चाहें तो इन्हें फ्रिज में स्टोर कर रखें या फिर आप उसी वक्त गर्म गर्म ताज़े खाएं। इन पर थोड़ा सा दोस्तों घी या बटर अप्लाई करें और इन्हें सर्व करें। तो देखिए मैंने सभी कुलचे इसी तरीके से बना लिए हैं और आप देख सकती हैं कितने सॉफ्ट और अच्छे बने हैं। ये अंदर तक दोस्तों अच्छे से सिक गए हैं। अगर आप जो खमीर, अगर आप कुलचा बना रही हो ड्राई हो गया सूख गया अच्छे से नहीं बन रहा, इसका मतलब जो आप खमीर इस्तेमाल कर रही हैं वो पुराना हो गया है। खमीर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है दोस्तों, इसीलिए कई बार हमारी रेसिपीज खमीर वाली अच्छी नहीं बन पाती क्योंकि खमीर ख़राब हो जाता है। तो देखिए ये तो कुलचा बनकर रेडी है और इसे मैं सर्व भी करूंगी। आप इन्हें यूं भी खा सकते हैं लेकिन आप इस तरह से बटर में फ्राई करके खाएंगी तो इनका स्वाद जो है दोस्तों दुगना हो जाएगा। मैंने हल्का सा तवे पर बटर लगाया था, उसमें इस कुलचे को सेक रही हूँ और ये क्रिस्पी सा रेडी भी हो गया है। आप चाहें तो यूं भी खा सकती हैं गर्मा गर्म कुलचे को क्योंकि ये अच्छे से पका हुआ है। कुलचे दोस्तों स्पेशली खाए जाते हैं दिल्ली में इस तरह की पतीले वाली मटर की चाट से। ये बहुत आसान होती है और इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, आप इसकी रेसिपी देखिए। और आपकी डिमांड पर ही दोस्तों मैंने ये कुलचा रेसिपी शेयर की है। मुझे उम्मीद है आप ये कुलचा रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कैसी बनी। अगली बार दोस्तों नई रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें और मेरा चैनल कुक विद मोनिका जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।